हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 2, और इस चैप्टर 2 का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था तो हमने इसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। टाइगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा नेशनल एनिमल भी है तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि ऐसी वो क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट ही चला दिया गया फॉर स्पेशली टाइगर्स। कोई ना कोई वो बात रही होगी और कुछ इम्पोर्टेंस भी होगा इस टाइगर का, जिसकी वजह से नेशन वाइड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पेसीज इन द फॉरल वेब। मैंने आपको बताया था, देखो ये फॉनल जो वर्ड है ये फौना से बना हुआ है, इतना इतना फौना, एल हटा दो। और फौना क्या होता है, किसी भी लोकल एरिया के जो एनिमल की जातियां प्रजातियां होती हैं, स्पेसीज होती हैं, उन्हें हम फौना कहते हैं। और वेब का मतलब तो आप जानते हैं, एक जाल। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर लोकल एरिया के एनिमल स्पेसीज को देखें तो जो ये टाइगर है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट होता है ना। इन 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड ड्विंडल्ड टू 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000 एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। तो 1973 में जो कुछ अथॉरिटीज थी उसके लोगों ने ये देखा कि जो ये टाइगर्स की पॉपुलेशन है, टाइगर्स की जो आबादी है वो ड्विंडल हो गई। ड्विंडल मतलब कम हो गई। कितनी कम हो गई, 1800 समथिंग हो गई, जबकि होना कितना चाहिए था, 55,000 होना चाहिए था। अब आप खुद ही देखिए कि कहाँ 55,000 और कहाँ 1800 समथिंग, अंतर तो बहुत बड़ा है। तो ये एक टेंशन की बात है कि इतना ज़्यादा अंतर आ रहा है पॉपुलेशन में। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि टाइगर मर रहा है तो मरे, हमें उल्टा खा जाता है, हमें डर लगता है टाइगर से, हमें क्या नुकसान है। तो इसका जवाब भी मैं आपको जल्दी ही दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एस। देखो, टाइगर की जो संख्या कम हो रही है इसलिए क्योंकि टाइगर की जान है खतरे में। अब टाइगर को क्या क्या खतरा हो सकता है। पहला खतरा है पोचिंग फॉर ट्रेड। देखो, पोचिंग होता है जब हम किसी भी इलाके में इलीगली तरीके से एनिमल्स को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं फॉर उनकी हड्डियों के लिए, उनकी खाल स्किन के लिए, या फिर कई बार उनके टीथ्स के लिए। इलीगल जो हम ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं इनकी बॉडी पार्ट्स का, दैट इज कॉल्ड पोचिंग। श्रिंकिंग हैबिटेट मतलब देखो, ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं, आपके जैसे लग्जरियस घरों में रहते हैं या हट में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, नहीं। एनिमल्स कहाँ रहते हैं, टाइगर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। इन्हें खुला रहना पसंद है, लेकिन अब जंगल काटे जा रहे हैं। कहाँ जंगल इतने ज़्यादा हुआ करते थे, अब जंगल रहे ही नहीं, तो इनके जो हैबिटेट है श्रिंक होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से भी ये कम होते जा रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज। देखिए, अगर मैं कहूँ कि इस साल अनाज नहीं होगा और कई साल तक अगर मान लो हमारे देश में अनाज ना होगे तो बहुत लोग मर जाएंगे कि नहीं, हम सब मर जाएंगे, क्योंकि बिना अनाज के हम लोग कैसे रहेंगे। तो सिमिलरली टाइगर के साथ भी यही हो रहा है कि टाइगर खाता है डियर को, है ना, और रैबिट्स को, जिन चीज़ों को फ्लैश ईटिंग एनिमल है टाइगर। तो टाइगर को चाहिए मांस, मीट चाहिए। अगर उसको उस तरह के एनिमल्स नहीं मिलेंगे, शिकार, प्रे मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो प्रे लिखा है इसका मतलब होता है शिकार। तो अगर उसको शिकार करने वाली प्रजातियां नहीं मिलेंगी, स्पीसीज नहीं मिलेंगी, हिरन वगैरह नहीं मिलेंगे, तो फिर वो खाएगा क्या, और जब खाएगा नहीं तो मर ही जाएगा। तो ये भी एक रीजंस है। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि जो हम इंसान है, हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और हमारी पॉपुलेशन से टाइगर को क्या दिक्कत हो सकती है। देखो, अभी हमारे पास लिमिटेड ज़मीन है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी
तो हम लोग पेड़ काटते हैं ताकि और ज़मीन का टुकड़ा हो, और घर बने, और फैक्ट्रीज बने, और स्कूल, हॉस्पिटल्स, उस सब के लिए ज़मीन लगती है। और घर बनाने में भी आपको पता हो तो लकड़ियों का और चीज़ों का यूज़ होता है, उसके लिए फॉरेस्ट काटे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इसकी वजह से भी जो ये टाइगर्स है उनको दिक्कत होती है। टाइगर्स क्या, बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जिसको काफ़ी दिक्कत होती है, जहाँ जंगलों में ये रहते थे वहाँ पर भी अब इंसान रहने लग गया है तो दिक्कत होगी। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पोचिंग करते हैं टाइगर्स की, तो वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो टाइगर की स्किन है, खाल और उसकी जो हड्डियाँ हैं, उसको दवाई बनाने में यूज़ करते हैं। कौन सी कंट्रीज़ करती हैं? एशियन कंट्रीज़। याद रखिएगा, इंडिया भी एशिया में ही आता है। और कौन कौन सी एशियन कंट्रीज़ हैं? मैं आपको सिर्फ एशियन कंट्रीज़ बता रही हूँ, ये नहीं कहती कि ये कंट्रीज़ ही टाइगर को मारती हैं, ठीक है? तो एशियन कंट्रीज़ हो गई हमारी, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो ये सब हैं हमारी एशियन कंट्रीज़, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर क्या हो रहा है कि एशिया में ही टाइगर ज़्यादा पाया जाता है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि टाइगर की स्किन को और बोन्स को यूज़ करती हैं मेडिसिन बनाने के लिए, पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल मेडिसिंस बनती थी वो बनाने के लिए। तो अब उसके लिए इनको टाइगर को मारना पड़ता है। तो ये भी भैया एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे जो टाइगर्स हैं कम होते जा रहे हैं। Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations became prime targets for poaching and illegal trading. देखो, जहाँ भी एक अच्छे काम की बात होती है तो वहाँ इंडिया का नाम आता ही आता है, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत अच्छे अच्छे काम करता ही है। अब बताओ, एनिमल्स के लिए भी करता है, तभी तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। तो एक इंडिया है और एक नेपाल है, अभी जितनी भी टाइगर पॉपुलेशन है उसका लगभग 2/3 हिस्सा इन्हीं दो कंट्रीज़ के अंदर है, और आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि ज़्यादा तो हमारे ही होगा, ठीक है, इंडिया में। तो इंडिया और नेपाल पूरे जितनी भी पॉपुलेशन है अभी टाइगर का, उसका 2/3 तो हिस्सा हमारे ही है। तो अब जब टाइगर्स हमारे ही ज़्यादा मिल रहे हैं, तो जो भी गलत लोग हैं, जो गंदे लोग होते हैं, जो इनको इलीगल तरीके से मारते हैं, फॉर हंट करते हैं इनकी बोन्स और स्किन के लिए, वो कहाँ पर आना चाहेंगे? इंडिया और नेपाल में आना चाहेंगे, सो दैट वो पोचिंग कर सके या इलीगल ट्रेडिंग कर सके। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड वॉज लॉन्च्ड इन 1973। अब कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि हमने क्यों ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि टाइगर को बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका था और टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, इसलिए 1973 में ये डिसाइड किया गया कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करेंगे। और सिर्फ इंडिया में तो लॉन्च किया गया था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में दी टाइगर कंजर्वेशंस has been viewed not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as means of preserving biotypes of sizable magnitude. देखो, प्रोजेक्ट टाइगर का क्या एक एम था कि हमें इस स्पेसी को बचाना है जो कि अब एंडेंजर्ड स्पेसीज बनने वाली है। मतलब क्यों? क्योंकि लुप्त ही हो जाएगी अगर इसी तरीके से पोचिंग चलता रहा, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट होता रहा, उसे खाने के लिए जानवर नहीं मिलेंगे, तो फिर एक दिन वो आएगा जब हमें टाइगर्स सिर्फ किताबों में देखने मिलेंगे, और आने वाली जो जनरेशन होगी वो एक्चुअल में टाइगर्स को नहीं देख पाएगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इसे वैसे हम पूरी तरीके से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसके आगे सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम,
तो अभी हमने जो देखे वो कुछ नेशनल पार्क्स थे, जैसे कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में था, सरिस्का राजस्थान में था, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में था। हम अभी मैप में भी देखेंगे बहुत सारे। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें हम कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अभी आगे देखेंगे, सो डोंट वरी। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। देखो पहले क्या था, सिर्फ जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चला दिया तो वो सिर्फ टाइगर के लिए था, लेकिन आजकल जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कंजर्वेशन मतलब जो हम बचाना चाहते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर ही चल गया या किसी एलिफेंट पे प्रोजेक्ट चल गया, किसी एक पे नहीं चल रहा है, किसी एक कॉम्पोनेंट पे नहीं चल रहा है, पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए चल रहा है, छोटे से छोटी चीज के लिए चल रहा है इस टाइम पे। बड़े बड़े एनिमल्स, पहले क्या था बड़े बड़े एनिमल्स के लिए चलता था, लेकिन इस टाइम हर चीज के लिए चल रहा है। देर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मैशर्स। अब क्या हो गया है कि अब और भी ज्यादा लोग जागरूक बन गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेशर्स ले रहे हैं। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, इवन इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, छोटी मोटी चींटियां तक हो गई, इनके लिए भी हम कंजर्वेशन मेथड्स को ले रहे हैं। और इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। अब आप खुद ही सोचिए कितनी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हम इनको बचा रहे हैं तो समझ जाइए ये पूरी एक साइकिल है। छोटी से छोटी बटरफ्लाई, बीटल्स या ड्रैगन फ्लाई क्यों ना हो, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ना तो इनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ना इनकी संख्या कम होनी चाहिए, एक न्यूट्रल, एक बैलेंस्ड लेबल जो है वो बना होना चाहिए, संतुलन बना होना चाहिए। तो इनको भी ऐड किया गया था प्रोटेक्टेड स्पीसीज में, मतलब हमें इनको प्रोटेक्शन देनी है। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट। आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स को कब स्टार्ट किया गया था लेना, तो आप बता दीजिएगा कि पहली बार 1991 में प्लांट्स की कुछ प्रजातियों को भी इसमें डाला गया था, स्टार्टिंग विथ 6 स्पीसीज, और स्टार्टिंग में प्लांट्स की 6 प्रजातियों को, स्पीसीज को इसमें डाला गया था। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के लिए। देखिए तो इसमें हमें लोकेशन बतानी है, एक एक करके हम दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। पहले नेशनल पार्क्स देख लेते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों ही दे रखी हैं, अलग अलग मैप हैं। जैसे कि आप भी इस मैप से देख लेना, मैं आपको यहाँ पर नेशनल पार्क्स बता दे रही हूँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। देखिए सबसे पहले हम मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइगर्स की संख्या यहाँ मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है, और मैं आपको स्पेशली वो वाले नेशनल पार्क्स बताऊंगी जहाँ पर टाइगर स्पेशली रखा जाता है। जैसे कि बांधवगढ़, हमने इसका नाम बुक में भी पढ़ा था, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, देखो टाइगर भी बना हुआ है छोटा सा। कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पर भी टाइगर रखे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि पेंच है, यहाँ पर टाइगर होंगे ही नहीं, लेकिन जहां पर टाइगर का मुंह बना हुआ है इसका मतलब वहां मेनली टाइगर्स हैं। सुंदरबन में टाइगर्स हैं, और देखिए बांदीपुर ये कर्नाटका में है, सुंदरबन अपना वेस्ट बंगाल में है, रणथंबोर ये राजस्थान में है हमारा, यहाँ भी टाइगर है। देखिए ये लाइन है, इसको एशियाटिक लाइन कहते हैं, और ये गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है गुजरात में। और ये देखिए जिम कॉर्बेट, पूरा नहीं लिखा है, ओनली कॉर्बेट लिखा है, ये उत्तराखंड में आता है, यहाँ पे हमें यहाँ भी टाइगर मिलता है। बाकी और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, देखिए यहाँ पेरियार में यानी केरला में पाया जा रहा है पेरियार नेशनल पार्क, लेकिन ये हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए हमने टाइगर्स पे यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, अब देखो इसमें और भी दे रखी हैं, रणथंबोर सरिस्का यहाँ पर भी है, वन विहार जो भोपाल में एक जू है वन विहार नाम से, और
इस साइड में देखते हैं, ये है काजीरंगा। काजीरंगा की लोकेशन देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर क्या मिलता है। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो मिलता है और ये काफी इम्पोर्टेंट है काजीरंगा। ठीक है, चलिए आइए। तो ये है वो राइनो जो हमें काजीरंगा में देखने को मिलता है। देखो लिखा भी है, राइनो एंड डियर इन काजीरंगा नेशनल पार्क। वन हॉर्न राइनो है, बहुत ही फेमस है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है मैप में हमें मार्क करने के लिए कि काजीरंगा कहाँ है। तो मैंने आपको लोकेशन भी दिखा दी है, नॉर्थ ईस्ट में असम में, तो आप इजीली बता देंगे। और ये कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट टाइगर पे सेपरेट वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके जो व्यूज़ हैं मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप मेरे को कमेंट ज़रूर करा करें और बताए करें कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप वोकैब भी चाहते हैं तो मैं वो भी बना दूंगी। आप अपनी चॉइसेस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद साधना।